नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा कच्चा घर, ये है हमारा घर, और इधर नया घर बना रहा है। साठ का घर अभी कंप्लीट नहीं हुए है, बना रहा है। तो ये है दोस्तों हमारा घर, कच्चा घर, असम के एक गांव बीटीएडी का अंदर एक गांव है हमारा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, हम बेरी काटने वाले, बेरी खाएंगे हम। तो ये है बेरी, हमारे घर का है बेरी। उधर ग्रीन चिली और धनिया, उसको मिक्स करके उधर यहाँ मिक्स करूँगा, उसको यहाँ मिक्स करूँगा। और बेरी को हम पीस पीस काटेंगे, इसके बाद उसको धनिया और चिली का मिक्सर को इसके मिक्सर करूँगा। तो खाने में बहुत मज़ा आता है, आप देखते रहिए कैसे मैं काटूँगा और धनिया और चिली को कैसे मैं मिक्सर करता हूँ उसके साथ, देखते रहिए दोस्तों। उसको निकालना होगा, उसके थाली को उसको दिया। थोड़ा नमक दे दिया और बाद में जरूर है तो देगा। तो ये हो गया मिक्सर, उसको निकाल लेंगे। बेरी को हम काटेंगे और हो गया कंप्लीट। इसको इस मिक्सर को डालेंगे, हो गया कंप्लीट। तो हो गया मिक्सर, हो गया धनिया चिली के साथ मिक्सर के साथ मिक्सर कर दिया, और खा के देख लो। तो इधर हमारा घर के खेत में हमारे परिवार लोग काम कर रहा है, वो लोग उसको खाएंगे, उसको खाएंगे बोलो। इसके लिए मैं तैयार कर रहा है और मैं ले आया खेत में। वो हमारे आलू खेती है, वो ग्रीन चिली और कुछ वगैरह है। वो है लोकल आलू है, हमारे घर का खेती लोकल आलू, उसको पटना आलू भी हम कहते हैं। बहुत ज़्यादा खौद होता है, टेस्टी होता है, खाने में फ्राई करने से बहुत अच्छा लगता है। डायबिटीज वालों, डायबिटीज बीमारी लोगों भी उसको खा सकता है। वो निकल 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 निकल, हाँ बहुत ज्यादा आलू निकल गए, आलू है। ओ बहुत टेस्टी होता है खाने में, वो फ्राई करने से। तो अब हम खाएंगे बेरी मिक्सर को। इधर खाएंगे हम, उधर ग्रीन चिली है, ओनियन और व्हाइट ओनियन है, हमारा बीन भी है थोड़ा थोड़ा। इधर सरसों तेल का खेत है इधर, और इधर दूसरे का है।
ना।